राधे मित्रों, जय माता दी। मित्रों, चंद्रवर्णी भक्तरस चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवर्णी भक्तरस चैनल में आप सभी का अपना हार्दिक स्वागत करता हूं और आद्य शक्ति माँ भगवती से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का माता रानी हरण करें और आपका जीवन आनंदमयी हो। तो चंद्रवर्णी भक्तरस चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा वीडियो होगा वह होगा बुध अस्त, जो बुध महाराज अस्त हो चुके हैं 19 जून 2023 को। तो तीन ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता होगी, तो आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें। वीडियो अपने इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो जो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए बात करते हैं बुध महाराज के अस्त की। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है मानव जीवन पे ग्रह और नक्षत्रों का प्रभाव जो है वह पड़ता है, और ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन करना जो है उनका अस्त या उनका उदय होना भी सभी मनुष्यों पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो 7 जून को बुध महाराज जो है वह वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 19 जून 2023 को जो है सुबह 7:16 पर वृषभ राशि में जो है सूर्य महाराज जो है अस्त हो चुके हैं। तो बुध अस्त अवस्था में है, तो बुध अस्त अवस्था में मानव जीवन पर दोनों प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। तो वृषभ राशि में बुध के अस्त होने के फलस्वरूप जो जातक हैं, जातकों के अंदर जो है आत्मविश्वास में कमी आ सकती है और जातकों को आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि लेने में भी आपको मदद मिलते हुए दिख रही है, मगर कुछ ऐसी राशियां हैं जिन राशियों को बुध ग्रह के अस्त होने से नकारात्मक प्रभाव आ सकते हैं। तो जानते हैं कौन कौन सी वह राशियां हैं। तो सर्वप्रथम वह राशि है वृषभ राशि। जो वृषभ राशि के जातक है आपके लिए जो है बुध महाराज का अस्त होने से आपकी राशि पे नकारात्मक असर पड़ेंगे। तो वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं, वृषभ राशि के जातकों में बुध की अस्त अवस्था बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है, बड़ी मुश्किल आपके लिए हो सकती है। इस अस्त अवस्था के दौरान आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना दिख रही है और न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी आप जो है परेशान इस समय रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी पदोन्नति की संभावना कम ही नजर आ रही है, और चूंकि बुध वृषभ राशि में ही अस्त हुए हैं, जो बुध महाराज हैं वो वृषभ राशि में ही अस्त हुए हैं, इसलिए अस्त अवस्था में वृषभ राशि में ही रहेंगे, इसलिए घर में क्लेश की भी बना रहेगा, आपके घर में क्लेश की अवस्था बनी रहेगी और स्वास्थ्य को लेकर भी आपको जो है सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहना है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए जो बुध महाराज अस्त हुए हैं आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी राशि की। तो दूसरी वह कौन सी राशि है जिनका बुध महाराज के अस्त होने से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और सावधान रहने की आवश्यकता होगी। तो दूसरी राशि है कर्क राशि। तो कर्क राशि के जातकों को भी जो है बुध महाराज के इस अस्त होने से सावधान रहने की आवश्यकता है। कर्क राशि के जातकों के एकादश भाव में जो है बुध महाराज जो है बुध ग्रह अस्त होंगे, इसलिए कर्क राशि वालों को व्यापार और नौकरी दोनों ही क्षेत्र में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो इसमें थोड़ी सी समझदारी से काम लेने की आपको जरूरत होगी, समझदारी से आपको आगे बढ़ना होगा, नहीं तो आपके लिए समस्याएं हो सकती हैं। ज्यादा रोक टोक आपके जीवन में समस्या ला सकती है, इसलिए ज्यादा रोक टोक आपको नहीं करनी है। और कार्य क्षेत्र में पदोन्नति और आय वृद्धि दोनों में ही समस्या आ सकती है। आपके कार्य क्षेत्र में ना तो पदोन्नति की संभावना दिख रही है, ना ही इस समय जो है आपके आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं, तो दोनों में आपको समस्या आ सकती है। यदि आप व्यवसाय में हैं, व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसमें भी आपको जो है इस समय तगड़ा घाटा उठाना पड़ सकता है, आपको जो है घाटा होने की संभावना दिख रही है। और कर्क राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव देखने के कारण बचत करना भी आपके लिए इस महीने संभव नहीं है। जो आप कर्क राशि के जातक हैं, आपकी आर्थिक स्थिति जो है प्रभावित रहेगी, आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा
प्रभाव बुध के अस्त का पड़ेगा, जिससे जिसके कारण जो है इस महीने आप बचत भी नहीं कर पाएंगे। तो कर्क राशि के जातकों को भी ये बुध ग्रह के अस्त होने से जो है सावधान रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं तीसरी राशि। तो तीसरी वह कौन सी राशि है जिसका जिस पे भी बुध महाराज के अस्त होने से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? तो तीसरी वह राशि है सिंह राशि। तो सिंह राशि के जातकों को भी इस बुध महाराज का जो यह अस्त हो रहा है, तो बुध महाराज के अस्त का आपके आपको भी जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो जितने भी सिंह राशि के जातक हैं, सिंह राशि के जातकों की कुंडली में जो है बुध महाराज दशम भाव में अस्त होने जा रहे हैं। दशम भाव में जो है आपकी कुंडली में बुध महाराज अस्त हो रहे हैं। तो ऐसे में जो है सिंह राशि के जातक जो हैं, जितने भी सिंह राशि के जातक हैं, तो ऐसे में जीवन में भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ना इसके प्रतिकूल प्रभाव दिखेगा आपके जीवन में। जितने भी सिंह राशि के जातक हैं, आपके जीवन में इस बुध के बुध महाराज के अस्त होने का प्रतिकूल प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा। भाग्य जो है इस समय बिल्कुल भी आपका साथ नहीं देगा, भाग्य का आपको साथ नहीं मिलेगा। यदि आप किसी चीज में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, किसी कोई भी कार्य क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में, किसी भी चीज में अगर आप जो है कामयाबी हासिल करने की सोच रहे थे, तो पहले से आपको अच्छे से योजना बनाने की आवश्यकता होगी। अच्छे से योजना बना करके आपको उस पर कार्य करना होगा, योजनाबद्ध आपको आगे बढ़ना होगा, तभी जा करके आपको इस महीने जो है सफलता मिल सकती है। इस बुध महाराज के अस्त होने से आपका जो जीवन है वह प्रभावित हो सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति भी इस अवस्था के दौरान प्रभावित रहेगी। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह भी प्रभावित रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी जो है वह बिगड़ सकती है। और स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य के प्रति भी जो है आपको सचेत रहना पड़ेगा। तो बुध महाराज का जो है नकारात्मक प्रभाव जो है सिंह राशि के जातकों को भी देखने को मिलेगा। तो तीन राशि के जो जातक हैं, आपको बहुत ही सतर्क रहने की इस समय आवश्यकता होगी, जब बुध महाराज का अस्त जो है 19 जून 2023 को वृषभ राशि में हो चुका है। तो वृषभ राशि, कर्क राशि और सिंह राशि, तीन राशि के जातकों को जो है बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर आपको जो है कोई भी कार्य इस समय करना है, योजनाबद्ध तरीके से आपको कार्य करने हैं, और उपाय के तौर पे आपको जो है जितना हो सके भगवान की शरण में आपको रहना है, भगवान की शरणागति आपको लेनी है, यानी कि भगवान का ध्यान, पूजन पाठ इत्यादि आपको करते रहना है, सत्कर्मों से आपको जुड़े रहना है, सत्कर्म आपको करते रहने हैं, तो बुध महाराज का जो है प्रभाव है वह थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपको जो है धर्म कर्म के कार्य करते रहने चाहिए। तो आज का जो वीडियो है हमारा, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी जरूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों को आप शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो चंद्रवर्णी भक्ति रस चैनल के माध्यम से आपको जो है समय समय अनुसार दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल और ग्रहों के राशि परिवर्तन, ग्रह जो जब अस्त होते हैं, उदय होते हैं, तो उनका असर क्या पड़ता है आपकी राशि पे, तो इस संबंधित जानकारी समय समय अनुसार आपको अवगत कराई जाती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक माँ भगवती आपके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके समस्त विघ्न बाधाओं का हरण करें। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।